दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 25 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों इंसान को ऐसा भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि बच्चों की ही जान ले ले, लेकिन ऐसा हुआ है बिहार के गोपालगंज जिले में। जी हाँ, बताया जाता है कि गोपालगंज में एक मां ने अपनी 4 बेटियों के साथ तालाब में छलांग लगा दी है। इसमें 3 बेटियों की मौत हो गई, 2 के शव शुक्रवार को तालाब से निकाले गए जबकि 1 शव शनिवार को बरामद हुआ। जी हाँ, मां और एक बेटी को लोगों ने बचा लिया है। घटना के पीछे पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। यह घटना गोपालगंज जिले के कटैया के गोरा गांव के निकट की है। जी हाँ, घटना को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार कटैया थाना क्षेत्र के गौरा गांव के पास स्थित तालाब में महिला नूरजहां का विदेश में रहने वाले अपने पति से फोन पर झगड़ा हो गया। इसके बाद महिला अपनी 4 बेटियों के साथ तालाब में कूद गई, जहां इससे 3 बेटियों की मौके पर ही जान चली गई। मृतकों में दूध मुही बेटी भी शामिल है। यह घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। इसके बाद मां नूरजहां और उसके एक पुत्री को बचा लिया गया। यह दोनों का इलाज अभी स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 350 नई एम्बुलेंस और 50 नई CNG बस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विकास आयुक्त आमिर सुभानी, परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। CNG बसें राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा के लिए पहले चरण में 350 लाभुकों का चयन किया गया है। अक्टूबर तक 800 एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का लक्ष्य है जबकि दिसंबर तक 1000 से अधिक लाभुकों को नई एम्बुलेंस के लिए 2,00,000 तक अनुदान देने की योजना है। जी हां, यानी कि अगर आप भी एम्बुलेंस खरीदना चाहते हैं तो आपको 2,00,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा। दोस्तों जातीय आधारित जनगणना के मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि हम लोगों का मानना है कि जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए। जी हां, बिहार विधानमंडल और बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था और इसे केंद्र सरकार को भेज दिया गया था। जी, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पूर्ण विचार करना चाहिए। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था लेकिन संसद के मानसून सत्र में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी। इस मसले को लेकर राज्य का मुख्य विपक्षी दल RGD लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मसले पर सवाल उठाए थे। दोस्तों बिहार सरकार नौकरी से रिटायर हुए लोगों के लिए एक बार फिर से नौकरी का मौका लेकर आई है। यह मौका 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगा। यह सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी कर दिया है। बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपित्रित और अराजपित्र कर्मियों की सेवा भी अगले 1 साल के लिए संविदा पर ली जा सकेगी। संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के बाद बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा की देशवासियों को बधाई दी है। जी हां, PM नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा को एक ऑनलाइन संबोधन में कहा है कि बुद्ध के मार्ग पर चलकर भारत ने चुनौतियों का सामना करके पूरी दुनिया को दिखाया है। PM मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध ने हमें जीवन जीने के 8 मंत्र दिए हैं। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा या फिर धम्म चक्र दिवस भी कहते हैं। इस मौके पर PM मोदी ने कहा है कि आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान दुनिया को दिया था। हमारे यहां कहा गया है कि जहां ज्ञान है वही पूर्णता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज कोरोना महामारी के रूप में पूरी मानवता के सामने संकट है, ऐसे वक्त में भगवान बुद्ध हमारे लिए और प्रशंसक हो जाते हैं। बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, यह भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है।
दोस्तों बिहार में एक दिन बाद मानसून के सक्रिय होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने 26 और 27 जुलाई से मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन चाईबासा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बिहार में एक या फिर दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जैसे ही ट्रफ लाइन बिहार की ओर अग्रसर होगी, मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। यह मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 जुलाई से 27 जुलाई तक बिहार के पटना, पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई आदि जगहों पर भारी से भारी बारिश के आसार हैं। जहां विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन स्थान पर रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। जहां बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसमें जयनगर में 42 मिलीमीटर, बहादुरगंज में 24.2 मिलीमीटर, किशनगंज में 17.6 मिलीमीटर, जहानाबाद में और टेकड़ी में 16.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। दोस्तों लंबे समय से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। इस बीच मस्जिद की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है। मुस्लिम पक्षकारों ने मंदिर प्रशासन को ज्ञानवापी मस्जिद से सटी जमीन देने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 1700 फीट जमीन मिल जाएगी। आपको बता दूं कि इस जमीन पर फिलहाल मंदिर प्रशासन का कंट्रोल रूम बना हुआ था। वहीं मंदिर प्रशासन ने 1000 फीट जमीन मुस्लिम समाज को देने का फैसला किया है। कोर्ट के बाहर आपसी सहमति के आधार पर हुए इस समझौते को बहुत खास माना जा रहा है। दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद अब गैस सिलेंडर की बुकिंग कराना आसान हो गया है। अब आप घर बैठे ही बिना किसी लाइन में लगे सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके मोबाइल में सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए कॉल या फिर मैसेज करने के पैसे ना हो? आज हम आपकी इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। जी हां, अगर आपके फोन में पैसे नहीं है तो फिर आप व्हाट्सएप का यूज करके या फिर मिस कॉल गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। जी हां, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी जैसे ही भारत गैस, इंडियन गैस और एचपी गैस ग्राहकों को व्हाट्सएप सिलेंडर बुक करने की सर्विस दे रही है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप सेकंड में व्हाट्सएप और मिस कॉल के जरिए गैस बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग के नंबर क्या है। जी हां, अब आप मिस कॉल देकर भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन एलपीजी गैस ग्राहक 8454955555 पर, बीपीसीएल के ग्राहक 7710955555 पर और एचपी ग्राहक 9493602222 पर मिस कॉल दे सकते हैं। जी हां, इंडियन यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए ऐसे सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 7588888824 नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों सरकार ने दो बड़े सरकारी बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। यानी कि दो बड़े बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। सरकार की तरफ से इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निजीकरण को लेकर पिछले माह कई बातें हुई थी। जी हां, अब इस दिशा में सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। हाल ही में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक अहम बैठक की है। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोल मिनिस्टर्स शामिल थे। इस ग्रुप पर ही बैठकों के निजीकरण को लेकर फैसला लेने की जिम्मेवारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से बैंकों के ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं होगा, उनकी सर्विस पहले की तरह ही जारी रहेगी। जून में खबरें आई थी कि सरकार ने दो बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। दोस्तों 1 जनवरी 2022 से गुब्बारों और आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाले स्टिकर बंद हो सकता है। जी हां, मोदी सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा है कि कैंडी और आइसक्रीम के प्लास्टिक से बनी स्टिक का उपयोग 1 जनवरी 2022 से चरणबद्ध तरीके से बंद हो सकता है। जी, एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक का उपयोग चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सवाल पर जवाब देते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के कुछ चिन्हित पदार्थों का उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंधित किया जा सकता है। 1 जनवरी से जिन वस्तुओं का उपयोग समाप्त किया जा सकता है उसमें एयरबर्ड की प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे आदि शामिल है। वहीं 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, कंटेनर और कंटेनरों के ढक्कन, ट्रे आदि का उपयोग अगले साल जुलाई से बंद किया जा सकता है।
दोस्तों किशनगंज जिला में बंगाल चोर गिरोह के नेटवर्क से जुड़े चोरों की सक्रियता बढ़ी है। ऐसे चोर किशनगंज से गाड़ी की चोरी करके तुरंत बंगाल भेज देता है, जिसे बरामद करना पुलिस के लिए जंजाल बन जाता है। यहां औसतन प्रतिमाह जिले से यानी कि किशनगंज जिले से एक दर्जन से अधिक बाइक की चोरी हो रही है, जिसके अपेक्षा बरामदगी नग्न है। पुलिस आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 3 माह में किशनगंज जिला से 50 गाड़ियों की चोरी हुई है जो पुलिस फाइल में रजिस्टर्ड है। इसमें अधिकांश दोपहिया वाहन है। चोरी हुए इन वाहनों में से पुलिस अब तक एक दर्जन बाइक भी बरामद नहीं कर पाई है। जो चोरी की वाहन बरामद नहीं होने से हर माह जिला के लोगों को 8 से 10 लाख रुपए तक का वाहन चोरी से नुकसान हो रहा है और चोर मालामाल हो रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र बंगाल से सटे होने के कारण किशनगंज जिला में आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों का चरण स्थलीय बंगाल बन जाता है। इसी तरह चोरी की गाड़ियों को भी चोर घटना को अंजाम देने के साथ तुरंत बंगाल पहुंचा देते हैं। यह घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस खोजबीन में जुटी रहती है, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लग पाती है। किशनगंज जिले में बंगाल वाहन चोर गिरोह के नेटवर्क से जुड़े सक्रियता ऐसे वाहन चोर पुलिस के नाक में दम कर रखा है। यह बताया जाता है कि इसका मुख्य कारण सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े सड़कों पर नियमित रूप से सघन वाहन जांच नहीं होने और फिर निगरानी में लापरवाही का लाभ चोर और अपराधी उठाते हैं और घटना के बाद तुरंत पड़ोसी राज्य बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वे आसानी से बच जाते हैं। दोस्तों अगर आप दिन भर में 4 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं तो फिर अब सावधान हो जाइए, क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा टीवी देखने से खर्राटे आने का खतरा 78% तक बढ़ जाता है। यह हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में यह दावा किया है। यह शोधकर्ताओं ने 10 से 18 साल के ऐसे 1,38,000 बच्चों पर रिसर्च की है। यह उनकी सेहत कैसी है और वे कितना चलते फिरते हैं इस पर भी नजर रखी गई है। इस रिसर्च में सामने आया है कि एक ही जगह पर बैठे रहने की आदत से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपिडिया हो सकता है। इस वजह से खर्राटे शुरू होने का खतरा 78% तक बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं ने सलाह दी है कि ऐसे लोग जो ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं उन्हें भी इसकी भरपाई अधिक एक्सरसाइज करके ही करनी चाहिए। आपको बता दूं कि स्लीप एपिडिया में सांस नली रात में पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। ऐसा होने पर सामान्य तरीके से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति खर्राटे में बदल जाती है। अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो फिर कैंसर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ग्लूकोमा, स्ट्रोक और Type 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 30 से 69 साल की उम्र में 100 करोड़ लोगों में स्लीप एपिडिया से जूझते हैं। इसका जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी है। दोस्तों किशनगंज में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र सहित कई सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था। एसडीओ के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। यह किशनगंज जिला प्रशासन के द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। यह किशनगंज शहर के जिला परिषद कार्यालय परिसर में एक दुकान में शुक्रवार को छापेमारी की गई। जिला परिषद कार्यालय के पास मुकेश कंप्यूटर नाम से चलाए जा रहे दुकान से पुलिस ने कुछ प्रमाण पत्र, दस्तावेज और अन्य कागजात जब्त किया है। यह कंप्यूटर की दुकान से जो प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं उसमें योजना एवं विकास विभाग उप जिला अस्पताल खड़गपुर का पता अंकित है। यह पकड़े गए कंप्यूटर कर्मी के द्वारा फर्जी तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने की बात सामने आई है। यह प्रमाण पत्र में जिस स्टाम्प का मोहर अंकित है उसमें भी नकली होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीओ शहनवाज अहमद नियाती ने बताया है कि इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर छापेमारी की गई। सीमांचल का इलाका होने की वजह से यह भी संभव है कि फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल घुसपैठियां भी कर सकते हैं, इसीलिए गहन जांच की जा रही है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर ढलान पर है, परंतु तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरे कई राज्यों में तीसरी लहर की दस्तक की खबरें सामने आ रही है। हालांकि बिहार में संक्रमण के नए मामले फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन संक्रमण के स्थिर मामले कोविड विशेषज्ञों और डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। यह डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह पर स्वास्थ्य विभाग नई चुनौतियों से जूझने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जी, विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना की पीक पहले नीचे जाती है, इसके बाद नए सिरे से फिर इसका उठना शुरू हो जाता है। इस साल मार्च महीने में बिहार में अमूमन रोज 20 से 22 नए संक्रमित मरीज मिल रहे थे। यह स्थिति लगातार बनी रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि 10 मार्च के बाद दूसरी लहर की दस्तक हो गई और कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए। जहां बिहार में फिर एक बार वैसे ही स्थिति है। 10 जुलाई के बाद से संक्रमण के नए मामले 60 से 100 के बीच में स्थिर हो गए हैं, जिसके बाद लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे बैनर का इस्तेमाल करने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार दलीय आधार पर पंचायत चुनाव बिहार में नहीं होने के कारण सभी प्रत्याशियों को आयोग के दिशा निर्देश का पालन करना होगा और किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे और बैनर का चुनाव के दौरान उपयोग नहीं करना होगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है। जी हां, आयोग के अनुसार सभी जिलों में मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इसके आधार पर ही मतदान केंद्र को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अगर आप नौकरी पेशा हैं, यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। जी अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया खबरों की माने तो देश की कंपनियां अब धीरे धीरे लॉकडाउन की मार से उबरने लगी है और आवेदकों की आपूर्ति जरूरी के हिसाब से कम है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जा सकती है। माइकल पेज और एऑन पीएलसी के हवाले से एडीटीवी की एक खबर के अनुसार अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों की सैलरी में करीब 8% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। खासकर अगर सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कामयाब हो जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों पटना मेट्रो का इंतजार करते करते हमारी आंखें थक गई है। अभी तक मात्र 3% ही काम हुआ है। आपको बता दूं कि पटना मेट्रो का काम अब रफ्तार पकड़ रहा है। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को 2 सुरंग और 6 अंडरग्राउंड स्टेशन के निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह कंपनी राजेंद्र नगर के अंडरग्राउंड रैंप और राजेंद्र नगर से आकाशवाणी तक 6 अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण करेगी। यह कॉरिडोर का हिस्सा है। दोस्तों अवैध बालू खनन के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा है कि गड़बड़ी करने वाले सरकारी तंत्र के लोगों को भी नहीं छोड़ा जाता। जिन अधिकारियों की भूमिका जांच में गड़बड़ पाई गई उन पर कार्रवाई हुई है। यह शनिवार को परिवहन विभाग के कार्यक्रम से लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बातें कही है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी बसों के परिचालन को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा ही। वैसे तो लक्ष्य है कि गड़बड़ी एकदम ना हो। उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों से बालू अधिक निकलता है उन इलाकों के डीएम एसपी की पूरी नजर है इस पर, जहां कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो यह निर्देश है। इसमें जो कोताही करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न में उन्होंने कहा कि तैयारी इस तरीके से चल रही है कि कोरोना ही नहीं किसी भी तरीके की बीमारी में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। अगले महीने बड़े स्तर पर यह काम पूरा हो जाएगा, पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने बिहार में 6 स्टेट हाईवे बनाने की मंजूरी दे दी है। यह बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे लोगों को आने जाने में किसी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़ेगा। खबर के अनुसार मोदी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने की मंजूरी दे दी है। बिहार में 2680 करोड़ की लागत से 6 स्टेट हाईवे तैयार किए जाएंगे, इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 2680 करोड़ रुपए आंकी गई है। इन परियोजनाओं का निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों जमुई के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि वे व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वे बड़े हैं, उनके पिता के साथ रहे हैं, इसलिए वे उनके लिए सम्मानित हैं। हाँ, उनकी नीतियों का मैं जरूर विरोध करता हूँ, क्योंकि जनता की समस्याओं को लेकर जब एक सेतु की तरह काम करने का प्रयास किया तो उन्होंने कोई संज्ञान ही नहीं लिया। वह भी तब जब साथ थे, 7 निश्चय योजना को लेकर बोलना शुरू किया तो सीएम को हमसे ज्यादा दिक्कत होने लगी। आज भी वे कहते हैं कि 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार की जड़ है। नली गली नल जल सड़क हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। चिराग ने कहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के समय से ही सीएम को उनसे परेशानी होने लगी थी। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का मैंडेट आया वह तो नीतीश कुमार जी के लिए ही था ही नहीं। जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलते नहीं, जब निकलते हैं तो हवाई सर्वेक्षण करके अपने हवा महल में लौट जाते हैं। जब तक गाड़ी से निकलेंगे नहीं जनता के हालात का पता कैसे चलेगा। गाड़ी से अगर निकलते भी हैं तो जनता से कनेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़ा करते हुए बहाल किए गए शिक्षकों को नौकरी से हटाने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। इसमें किसी भी छूट की गुंजाइश मिलती दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कराने का फैसला किया गया है। जांच में यह देखा जाएगा कि नौकरी लेते वक्त शिक्षकों ने जो प्रमाण पत्र दिया था वही पोर्टल पर अपलोड किया है या नहीं। यदि प्रमाण पत्र में हेराफेरी की गई है तो फिर दोषी शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और सेवा समाप्ति की
कार्रवाई भी की जाएगी। जय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि जिन शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को अपलोड किया है उनकी जांच में ये देखा जाएगा कि जिस प्रमाण पत्र पर नौकरी ली गई है वही अपलोड किए गए हैं या नहीं। दोस्तों लगातार हो रही बारिश के चलते महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ का कहर जारी है। जहां बिहार में 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं महाराष्ट्र और गोवा में स्थिति बिगड़ते देखकर एयरफोर्स और नेवी की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में बारिश से हुए घटनाओं में अब तक 129 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले दो दिन में 90,000 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। जी हां, बिहार में 11 जिले गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, खगड़िया और मधुबनी बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में बाढ़ से करीब 15 लाख आबादी प्रभावित है। अब तक 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह निचले क्षेत्र में पानी भरने से सड़क मार्ग खत्म हो गया है। ऐसे में दरभंगा, गोपालगंज के तमाम इलाके में लोग नाव के सहारे जीवन काट रहे हैं। बिहार में एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई है। दोस्तों संसाधनों की कमी के बीच कटिहार जिले की 3 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। जय पूजा कुमारी ने लगातार 7 बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बिहार टीम का प्रतिनिधित्व किया है। जय कटिहार जिला से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी खेल प्रतिभा का परचम लहराने में फुटबॉल खिलाड़ियों को संसाधन भी अपने स्तर या फिर जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से जुटाना पड़ता है। जय आवश्यक संसाधन के अभाव में बिना बूट के भी खिलाड़ियों को अभ्यास करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के कारण खेल प्रतियोगिता अभी बंद है, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल अभ्यास की अनुमति दे दी गई है। यह शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए संघ के स्तर से संसाधन जुटा लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को तराशने का काम नहीं हो पा रहा है। यह बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा भी फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी तरह की सहायता और संसाधन मुहैया नहीं कराया गया है। यह कटिहार जिले के फुटबॉल खिलाड़ी दुरंतो कप सहित अन्य प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता में अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखा चुके हैं। वर्तमान समय में फुटबॉल संघ संसाधन की कमी से जूझ रहा है। जय कटिहार जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष डिप्टी सीएम तार किशोर प्रसाद ही हैं। यह डिप्टी सीएम बनने के बाद संघ को फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित मिलने की आस जगी है। जय कटिहार जिला फुटबॉल संघ के कोच विनोद कुमार को भी किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। फुटबॉल के प्रति दीवानगी के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास सत्र में प्रशिक्षित देने का काम करते हैं। इनके द्वारा प्रशिक्षित 3 महिला और 1 पुरुष वर्ग के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता में बिहार टीम की ओर से खेल चुके हैं। दोस्तों पूरे बिहार भर में 56,000 वार्डों में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत पूर्ण की गई सभी योजनाओं में पानी की नमूनों की जांच पीएचईडी ने प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक माह कर रही है। यह साथ ही पानी की जांच रिपोर्ट को पंप ऑपरेटर के पास रखे रजिस्टर्ड में लिखा जाता है। लेकिन पीएचईडी विभाग ने अब निर्णय लिया है कि लाभुकों को भी पानी की जांच रिपोर्ट से अवगत कराया जाएगा, ताकि जिस पानी को वे पी रहे हैं इसको लेकर उनके मन में कोई शंका नहीं रहे और विभाग भी लाभुकों को रिपोर्ट देने के बहाने योजना से संबंधित फीडबैक भी से हर माह ले सके। जय पीएचईडी ने सभी अधिकारियों को 2 दिन पहले दिशा निर्देश जारी किया गया है। जय विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि पानी के नमूने की जांच के फलाफल योजना के लाभार्थियों को हर माह नियमित अवगत कराया जाए। जय इसके लिए पंप ऑपरेटर जल गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट रजिस्टर्ड में रखकर हर माह वार्ड से कम 25% लाभकों से उस पर हस्ताक्षर कराएंगे। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण खबर है। पहली यह है कि बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2021 की मार्च सीट जिलों में भेज दी है। सभी स्कूलों के प्रधानाधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी से मार्क सीट प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि मार्क सीट का मिलान स्कूल में उपलब्ध रिकॉर्ड से करने के बाद उसे छात्र छात्रों को सौंपेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने 9वीं में एडमिशन कराने से इच्छुक छात्र छात्राओं को एक और मौका दिया है। यह बिहार के राजकीय परियोजना और उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में 8वीं पास अभ्यर्थियों का 9वीं कक्षा में नामांकन अब 30 सितंबर तक लिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि विभागीय आदेश का पालन सभी माध्यमिक विद्यालयों में कराएं और 8वीं पास करने वाले जिन विद्यार्थियों ने 9वीं में नामांकन नहीं कराया है उनका नामांकन सुनिश्चित करें। दोस्तों कभी कभी लोक सेवकों की संवेदना दिख जाती है। जो गुरुवार को रोहतास जिले के सुदूर क्षेत्र रेहल में भी ऐसा दिखा, जहां रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार भीड़ में एक दिव्यांग बच्ची को आते देखकर अपनी कुर्सी छोड़कर उसके पास पहुंच गए और जमीन पर बैठकर उसकी समस्या सुनी। जहां बच्ची को भीड़ में आगे बढ़ने में और डीएम तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी, ये देखकर डीएम उनके पास खुद पहुंच गए। यह कुसुम के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उसकी बराबरी में जमीन पर ही बैठ गए और तत्काल निदान की घोषणा की वहीं कर दी।
जी हाँ, नागाटोली गांव से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय करके शिविर में पहुंची दिव्यांग बच्ची कुसुम को देखकर डीएम चंद्रवीर हो गए। कुर्सी छोड़कर खड़े हुए तो आसपास बैठे अधिकारी शक पका गए। जब वे बच्ची के आगे जमीन पर बैठ गए। कुसुम की बात सुनकर डीएम भी कुछ समय तक स्तब्ध रहे। उसने डीएम से कहा कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में खाता होने के कारण पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवा दे। उसने दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनने की बात कही है। डीएम ने उससे आवेदन नहीं लिया है, बल्कि पूरी बात सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया और कहा कि उसके लिए गांव में जल्द दिव्यांगता कैंप लगाकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को तेजी से प्रमोट करने के सहित बिहार में एग्रीकल्चर मार्केट को बेहतर ढंग से विकसित करने का निर्देश दिया है। जो उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बाजार की आधारभूत संरचना के विकास के लिए और तेजी से काम करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें शुक्रवार को एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनिशिएटिव के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर कृषि विभाग की प्रेजेंटेशन के बाद एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में कही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन तेजी से विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है। मोतिहारी के दौरे में आलू अनुबंधन कृषि मॉडल का मुआयना किया था, जो काफी अच्छा था। साथ ही इस कार्य से जुड़े किसानों की जानकारी से काफी प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि साल 2006 से ही कृषि शिक्षा के क्षेत्र में पहल की गई है, नए विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना की गई है। इससे बिहार के छात्रों में कृषि शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी में एक नाव के पलट जाने के कारण 6 लोगों की जान चली गई है, जिन्हें अभी भी 1 से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि चकम हेसी थाना क्षेत्र में नावपुर गांव के करीब 15 से 17 लोग सवार होकर शुक्रवार की शाम के वक्त बाजार से खरीदारी करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे नाव असंतुलित होकर उफनाती बागमती नदी में पलट गई। इस नाव पर कुछ महिला भी सवार थी। घटनास्थल पर मौजूद कल्याणपुर के वीडियो ने बताया है कि घटना की सूचना मिलने के बाद बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन रात हो जाने के कारण रेस्क्यू में परेशानी हुई। जो उन्होंने कहा है कि अब तक एक महिला सहित 6 लोगों के शव को पानी से बाहर निकाला गया है। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह बिहार के किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। यही वजह है कि बीते 15 सालों में बिहार में कृषि निर्यात आय 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बिहार के किसानों को सरकार से भी मदद मिल रही है और पहले के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर सरकारी खरीद भी ज्यादा हो रही है। यह बिहार कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश में यानी कि बिहार ने कृषि निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है और पिछले 1.5 दशक में कृषि निर्यात की आय में 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की कोशिश कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना भी है, ताकि वे समृद्ध जीवन जी सके। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक ने ही सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां जदयू के विधायक ने बिहार के DGP को पत्र लिखकर थानेदारों की शिकायत की है कि वे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए उनका तबादला कर दिया जाए। थानेदारों की कार्यशैली पर भड़के सत्ताधारी दल के विधायक ने कहा कि पुलिस वाले ना तो नेता के हैं और ना ही जनता के हैं। शराब तस्करों से पुलिस वालों की मिली भगत को लेकर बयान देकर सुर्खियों में आने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस वालों को लेकर ये बयान दिया है। जहां जदयू के दबंग विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोलू मंडल ने बिहार के DGP SK सिंगल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपने क्षेत्र के 2 थानों के कोतवाल की शिकायत की है। दोस्तों, कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा की जान को खतरा है। इस संबंध में उन्होंने एक पत्र जारी करके सरकार से सुरक्षा की मांग की है। जहां अजीत शर्मा ने सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से वे उनके निशाने पर हैं। ऐसे में कभी भी उनके साथ बड़ी घटना घट सकती है। नगर विधायक अजीत शर्मा अपनी सुरक्षा में तैनात 3 बॉडीगार्ड के अलावे और बॉडीगार्ड दिए जाने की मांग की है। साथ ही हाउस गार्ड और एस्कॉर्ट दस्ता भी उपलब्ध कराने की मांग की है। नगर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि वे विधानमंडल में कांग्रेस के नेता और प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति भी हैं। ऐसे में उन्हें अक्सर राज्य भर का दौरा करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से वे कई लोगों के निशाने पर हैं। अजीत शर्मा अक्सर शराब तस्कर का मुद्दा उठाते रहे हैं। जहां उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी केवल नाम का है, हर जगह शराब बेची जा रही है। इस संबंध में वे CM नीतीश कुमार को भी पत्र लिख चुके हैं। यह शराबबंदी कानून की समीक्षा का आग्रह भी उन्होंने सरकार से किया है।
दोस्तों करीब 3 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली में स्थित अपनी बेटी मीसा भारती के घर स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। जी हां, पर एक बार फिर से लालू परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले दुरांडो कोषागार से अवैध निकासी केस में दोबारा सुनवाई शुरू हो गई है और जल्द ही फैसला आ सकता है। अब लालू परिवार समेत उनके समर्थकों को चिंता सता रही है कि अगर इसमें मनोकूल फैसला नहीं आया तो फिर कहीं लालू यादव को एक बार फिर से जेल जाने की नौबत न आ जाए। जी आपको बता दें कि दोरंडा कोषागार मामले की सुनवाई रांची हाई कोर्ट में चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी वाले चारा घोटाले के इस 5वें और आखिरी मामले में फैसला जल्द ही आ सकता है। दरअसल इस मामले में वर्चुअल सुनवाई हो रही है। करीब 2 महीने से इस मामले की सुनवाई बंद थी। सीबीआई इस मामले में काफी पहले ही लालू प्रसाद यादव सहित 100 से अधिक आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इस मामले में बचाव पक्ष की गवाही भी पूरी हो चुकी है। अब मामले में बहस चल रही है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।